सब बहुत आर फाइन. सो वी हैव हम लोग अब बात करेंगे नार्कोटिक ड्रग अब्यूज के बारे में. एक ऐसा विषय है, दिस इज सच अ बिग चैलेंज टू सोसाइटी एज सच. इट्स नॉट ओनली अ क्राइम, यू नो, नाउडेज इट्स ग्रेटली इन द न्यूज. यू कैन हियर द ड्रग प्रॉब्लम इन बॉलीवुड एंड ऑल. वी कीप हियरिंग दिस ऑल द टाइम. इट इज अ बिग प्रॉब्लम, बट इट इज आई बिलीव चैलेंज टू ह्यूमैनिटी rather than only a challenge, a crime problem. It is a problem for the whole human race, and there are many reasons for it. And aaj apan ek saath hain, to apan iske bare mein baat karenge ki ye kya hai, ye sab pura jo issue hai. Aur jo meri jankari hai, main aapse share karunga. Madhya Pradesh mein narcotics सेल बोल के एक मध्य प्रदेश पुलिस का अलग विंग है. बहुत कम पुलिस फोर्स हैं जिन्होंने अलग विंग बनाया है नार्कोटिक्स के लिए, स्पेशल पुलिस फोर्स डेडिकेटेड फॉर सॉल्विंग द नार्कोटिक प्रॉब्लम. मैं एडीजी नार्कोटिक्स, आई वाज हेडिंग दिस विंग फॉर 2 years बिटवीन 2016 एंड 2018. सो उधर का भी मेरा अनुभव है. मैं रतलाम, एक जगह है मध्य प्रदेश में, एक जिला है, उसमें मैं एसपी भी रहा हूँ और वहां मैं डीआईजी भी रहा हूँ उस रेंज में, रतलाम, मंदसौर, नीमच. वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अफीम की खेती होती है. अफीम मींस ओपियम. ओपियम इज लीगली ग्रोन इन रतलाम, मंदसौर, नीमच अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सीबीएन एक संस्था है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, उनकी देखरेख में वहां पे खेती की जाती है ओपियम की. कई लोग जानते भी होंगे. और फिर उसके बाद उसको मेडिसिनल वैल्यू के लिए मॉर्फिन जो उससे निकलता है उसका उपयोग होता है. सो दैट इज द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ राजस्थान, विच इज प्रतापगढ़, कोटा एंड चित्तौड़गढ़, थ्री डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान. यहाँ पे भी इसकी खेती होती है. तो मैं उधर एसपी भी रहा हूँ 3 साल रतलाम में, और मैं वहाँ डीआईजी भी रहा हूँ उस रेंज में, पूरे रतलाम, मंदसौर, नीमच जो कवर करता है 3 साल. तो 6 साल का मेरा वो अनुभव है, 2 साल का मेरा एडीजी नार्कोटिक्स में रहने का अनुभव है. तो मैंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, जैसे मैं कई क्षेत्रों में काम किया है, साइबर हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो. तो इस क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है और बहुत तरीकों से काम किया. एनफोर्समेंट के लिए भी मेरे को बहुत सारे अवार्ड मिले. हमने कई टन अवैध ओपीएम पकड़ी थी जब मैं एसपी था वहां पे. हेरोइन पकड़ी थी जो ओपीएम से बनती है, मैं आगे आपको बताऊंगा. सो उसके लिए मेरे को राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत भी किया गया है फॉर एनफोर्समेंट पार्ट. बट देन देयर दैट इज नॉट द ओनली पार्ट. मेरे को ऐसा लगता है कि द परमानेंट सोल्यूशन, अगर मैं यहाँ पे, कई युवा लोग हैं यहाँ पे, कई बच्चे भी होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं जब स्कूल और कॉलेज में जाता था तो मैं यही पूछता था कि आप स्पेशली स्कूल्स में कि जो बच्चे बैठे होते थे या जो युवा भी होते थे कि बड़े बन के आप क्या बनना चाहते हो, जस्ट टेल मी. तो कोई बोलता था कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ. हर का अपना अपना एक वो था दृष्टिकोण. बट मैंने उनसे पूछा कि आप में से कौन है जो गुंडा बदमाश बनना चाहता है, कोई है क्या? तो ऑब्वियसली द आंसर वाज नो. कोई ऐसा है जो बड़ा होके बोले कि मैं तो बहुत बड़ा क्रिमिनल बनना चाहता हूँ या मैं बिल्कुल एक बीमार व्यक्ति बनना चाहता हूँ, ऐसा है कोई? तो ऑब्वियसली आंसर वाज नो. द आंसर इज नो. एंड इफ योर आंसर टू ड्रग्स इज येस, देन यू आर गोइंग टू बिकम दैट रादर देन दिस. आपके एम तो है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं आईएएस आईपीएस जो भी बनूं, बहुत अच्छा करूं जिंदगी में, सबका होना चाहिए और होता भी है. पर अगर आप उसमें यस बोल दिया कभी गलती से आपने, तो फिर क्या होगा? फिर आप इस साइड जाने की जगह उस साइड चले जाओगे, फिर आप वो बनोगे. दो ही अंत हैं मैंने जो देखे हैं ड्रग्स के, जो सेवन भी करते हैं और जो उसका स्मगलिंग एंड पेडलिंग एंड वो वाला पार्ट तो छोड़ दो, पर जो उसका सिर्फ यूज उपयोग करते हैं, there are only two ends to it which I have seen, either jail or hospital, and both are not places where we would like, anyone would like our youth, our children to go. So the only way, mere ye main hamesha cyber mein bhi bolta hu ki ek hi chabi hai for finishing this drug problem in the country, in the world, and that is also again awareness. Unfortunately, awareness hi wo ek aisi chabi hai jo hame bachchon ko, hamare yuvaon ko is प्रॉब्लम से बचा सकती है, उनको इनसे, इससे दूर रख सकती है. और वही एक चाबी के बारे में अपन बात करेंगे. तो शुरू में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा. इट्स अ लिटिल लॉन्ग वीडियो, स्पेशली द यंगस्टर्स हु आर हियर, यू शुड सी इट वेरी केयरफुली, एंड आफ्टर दैट देन वी विल टॉक अबाउट. इट्स अ लिटिल लॉन्ग, इट इज अबाउट 5 मिनट्स, बट यू मस्ट सी इट फुली एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. ओके.
I hope you can see it. Priya ji, आप देख सकती हैं? Yes, sir. Yes, sir. Like right here. Weed when they dark drugs. They lie. Said sniffing glue was no big deal. They lied. They said if I got drunk, I'd be one of the guys. They said if I got drunk, I'd be one of the guys. They lied. They said if I did coke, I could party all night. Party all night. They lied. They said acid would help me forget my problems. In a separate universe inside each and every one of us. You kill him. I'm not gonna kill him. Reality is the prison of the mind. When we die, black holes of our mind open up. We're forced through the gates to infinite insanity. They said LSD would help me forget my problems. They lied. He said he'd love me forever if I smoked crack with him. You got the money? Why are you asking? Love me forever. He lied. He said heroin would be the best high I ever had. Sweetheart. Said meth would help me get through my exams.
get hooked after the first hit. They said I wouldn't get hooked after the first hit. They lied. They said one hit wouldn't hurt. Said half a hit of E would be fun. They said half a hit of E would be fun. They lied. They said if I got drunk, if I did coke, I'd be one of the guys. They said meth would help me get through my exams. They said sniffing glue was no big deal. Totally safe. I could party all night. They said heroin would be the best high I ever had. It would help me forget my problems. He said he'd love me forever if I smoked crack with him. They said I wouldn't get hooked after the first hit. They said that Ritalin would help me focus. They said weed wouldn't lead to harder drugs. अब आप मेरे को देख सकते हैं या या सो ओके सो यू सॉ दिस फिल्म. ये फिल्म थी, थोड़ी लंबी थी और इसमें कई चीजें आपने देखी होंगी और उसके बारे में अपन अब आगे चर्चा करेंगे. मैं अपनी प्रेजेंटेशन जरा चालू कर दूं. ओके सो वी आर गोइंग टू टॉक कि अवेयरनेस फॉर यूथ अगेंस्ट ड्रग अब्यूज. ये फिल्म थी, ये 6-7 मिनट की थी. इसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे टाइप ऑफ ड्रग्स का उल्लेख था. आपने शुरू से मतलब जो फर्स्ट ड्रग जो उसमें मेंशन था वो था हशीश या वीड या जिसको बोलते हैं गांजा. एंड इट कंटिन्यूड फ्रॉम देयर ऑन. देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स व्हिच वर डिस्क्राइब्ड इन दिस फिल्म. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो यू. सो जो यूथ है स्पेशली उनके से मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ जब उनके साथ रूबरू होता हूँ. बट इसमें कुछ कीवर्ड्स थे जो बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं. इसके बारे में अपन को बात करना बहुत जरूरी है. सबसे पहला वर्ड जो इसमें यूज था वो था दे. दे, ये दे कौन है ये पहले बताइए. अगर कोई मेरे को बता सकता, अगर अभी तो मैं नहीं पूछ सकता बट मैं ही आपको जवाब दूंगा. बट दे कौन, दे मतलब अगर आप कभी सोचो, दे मतलब जिन्होंने आपको ये चीज बोली है ना, दे लाइड. तो दे कौन, दे मतलब वो जिन्होंने आपको गलत रास्ते पे डाला. अगर आप कभी सोचो कि मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता हूँ तो कोई बहुत बड़ा स्मगलर या बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल या बहुत बड़ा कोई पेडलर आपको आके ड्रग एडिक्ट बनाएगा तो आप गलत समझते हो, है ना. कौन बनाएगा आपको ड्रग एडिक्ट, अगर उस दिशा में कौन ले जाएगा आपको, आप सोचो. वो आपका साथी होगा. दे मतलब योर साथी, आपका कोई. आई वोंट कॉल देम फ्रेंड्स. फ्रेंड तो आपका भला बुरा भी सोचते हैं, सोचना चाहिए. आपके दोस्त नहीं, आपके साथी, जो आपके साथ रहते हैं. शायद आप उन पे बहुत भरोसा करते हो पर वो शायद उस भरोसे के लायक नहीं है. तो कोई बाहर से आके, कोई बहुत बड़ा आपराधिक तत्व आपको ये गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा. सॉरी, इट इज समबडी हु इज विद यू अ लॉट ऑफ द टाइम एंड समबडी यू ट्रस्ट बट हु इज नॉट वर्थ द ट्रस्ट दैट यू आर प्लेसिंग अपॉन हिम और हर.
ओके, कोई बाहर से नहीं, देव मतलब आपका साथी। इसलिए मैं साइबर में भी ये बोलता हूं, आपके लिए एज ए युवा, एज बच्चे के लिए, जो भी हो, एक इंसान के नाते आपका सबसे बड़ा शस्त्र क्या है, वेपन, योर ओन ब्रेन, आपका अपना ब्रेन आपका सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा सफलता का राज, सब मंत्र भी यही है। तो इस पे बिलीव करिएगा, दूसरे के दिमाग से मत जाइएगा, है ना। तो देव मतलब साथी, साथी ही आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे, कई कारणों से हो सकता है, ये हो सकता है खुद भी वो एडिक्ट हो, तो शायद उनको अगले को एडिक्ट बनाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, तो वो अपना जो गलत आदतें हैं उसको स्पॉन्सर कर सकेंगे, शायद इसलिए कि वो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, शायद इसलिए कि वो आपसे जलते हैं, पर होंगे आपके साथी, बाहर से नहीं आएंगे। दूसरा शब्द जो इसमें बहुत यूज था, लाइट, दे लाइट, लाइट झूठ, झूठ बोला आपसे, क्यों, ऑब्वियसली इसलिए बोला ताकि आप उनकी बात को विश्वास कर लें। अगर वो बोलेंगे कि आप अगर ये, अगर आपको भी आके बोलो कि एक बार ये ले लेना, ये ड्रग, ये इसको एक बार लोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ले लेना, आप लोगे, कभी नहीं लोगे, है ना, इतना तो सबके पास सेंस होता है। आप तब लोगे जब आपको बताया जाएगा कि इसमें कुछ अच्छा है, इसमें मजा है, पर ये भी मत समझना कि हमेशा ये बोलेंगे कि आपको मजा आएगा, ये समय है, आप युवा हो, ये समय है एंजॉय करने का, ये समय है मजा करने का, ये समय है हर चीज ट्राई करने का, ये तो बोलेंगे, यस, ये तो एक झूठ है जो वो आपको बोलेंगे, कई लोग आपके साथी आपको गलत आदतों में की तरफ ले जाने के लिए, कि चलो इसमें तो मजा है, यही तो एज है, बाद में कौन करता है, चलो एक बार करो, ट्राई तो करो। और हमारे बच्चे युवा, आई टोल्ड यू, वेरी एडवेंचरस, ट्राई करने का आदत रहती है, हर चीज ट्राई करनी चाहिए, नहीं उससे पहले, अदरवाइज आप किस बात के युवा है ना, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, बट दिस इज नॉट वेर यू शुड अप्लाई दैट स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ओके, तो सिर्फ मजा और इसके लिए नहीं बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति है जो शायद पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो उसको आपने देखा होगा उस फिल्म में कि मेरे को बोला कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी इसलिए मेथ ले लो, मेथ इज अ ड्रग, है ना, मेथाडोन भी बोलते हैं उसको, मेथ एम्फेटामिन भी बोलते हैं, तो मेथ ले लो, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, पढ़ाई में आपके ग्रेड्स अच्छे हो जाएंगे। तो जिसको उन्होंने देखा कि ये पढ़ाई वाला है, तो उसको पढ़ाई के क्षेत्र में प्रलोभन दिया, जिसको देखा ये कोई मस्ती करने वाला है, ज्यादा खुशी पार्टी, तो उसको उस क्षेत्र में देंगे, जिसको देखा कि ये स्पोर्ट्समैन है, तो उसको बोलेंगे ये ड्रग ले लो, आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाएगी, है ना। तो ये मत सोचना कि सिर्फ आपकी प्रलोभन देंगे फॉर योर, फॉर एंजॉयमेंट, फॉर फन, यस दैट विल बी डेफिनेटली देयर, बट इट कैन बी फॉर एनीथिंग, एंड दे विल फर्स्ट, दे विल ओनली टेम्प्ट यू विद व्हाट यू विल बी टेम्प्टेड बाय। Remember that. I'll give you my example. I was studying in college. School khatam karke main college mein gaya, NIT Trichy, right? Mere roommate ek vyakti tha first year mein. Wo vyakti naam wam to main nahi lunga, but wo cigarette peeta tha. ठीक है? अब ये व्यक्ति चाहता होगा obviously कि मैं भी पीऊं. एक साथ रहना चाहिए ना, तो we were roommates. मेरा साथी था वो. तो वो भी चाहता होगा, चेक वॉट एवर रीजन। तो फर्स्ट ईयर में तो उसने मेरे को कई बार बोला, तो शायद मैंने उसके उसको समाओ आई रिजिस्टेड। सेकेंड ईयर आ गया, अब हम अलग अलग कमरे हो गए, उसका अपना कमरा, मेरा अपना कमरा, बट साइड बाय साइड साथी था ना मेरा। तो उसके बाद पढ़ाई बढ़ गई, पढ़ाई एज यू गो अप इन द कॉलेज द अमाउंट ऑफ स्टडीज इंक्रीजेस, सो वी हैड टू स्टडी अ लॉट, वी हैड टू स्टडी एट द नाइट ऑल्सो। तो बाहर जाते थे जगह रहने के लिए, कोई चाय पीने जाते थे, चाहे दुकान है, तो ये मेरे को बोलता रहता था कि तू एक सिगरेट पी ले, तेरे को दो घंटे तक नींद नहीं आएगी, है ना, हमेशा द टेम्पटेशन। ही न्यू आई वाज गुड इन स्टडीज, सो आई वुड लाइक टू मतलब स्टडी मोर, है ना, तो नॉट फॉर एंजॉयमेंट, नॉट फॉर फन, बट ये मेरे को बोलता था, तो कहाँ जाते हो, इतनी दूर जाते हो, टाइम वेस्ट करते हो, वहां से चाय पीते हो, वापस आते हो, फिर उससे अच्छा कि एक सिगरेट पी लो। अब इसने देखो कई दिनों तक बोला, एक दिन वो दैट वीक पॉइंट केम, आई से चलो दे दो, तो मैंने वो एक सिगरेट पी और दो घंटे तक एक्चुअली मेरे को नींद नहीं आई, बिकॉज ऑफ द निकोटीन, है ना। तो उसके बाद आदत पड़ गई, और मैंने 1986 से लेके 2001 तक जब मैंने छोड़ी, 15 साल मैंने वो सिगरेट इसलिए पी क्योंकि मेरे साथी ने एक झूठ बोल के मेरे को उसकी लत लगाई, है ना। वो तो सिगरेट थी, सिगरेट बैड फॉर हेल्थ, है ना, तो आई कुड लीव इट, वो आगे अपन बात करेंगे, बट दिस इज हाउ इट गोज, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो मेरा साथी था, आज भी मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा दुश्मन है, वो भी मेरा साथी था, पर उसने मेरे को गलत आदत एक झूठ बोल के डाली। तो आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए, कोई बाहर वाला नहीं आने वाला, कोई दुश्मन, कोई अपराधी नहीं आने वाला, दूसरा कोई सच बोल के आपको नहीं कराने वाले, ये गलत चीज, झूठ बोलेंगे, और वो वाला झूठ
जो आप मानोगे, है ना, ये झूठ नहीं जो आप नहीं मानोगे। हो सकता है कई लोगों को नहीं अच्छा लगता, समझदार है कि नहीं नहीं ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए बहुत तरीके हैं, मैं पिकनिक मना लूंगा, मैं पिक्चर देख लूंगा, मैं कोई गेम खेल लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। हो सकता है आप ऐसे भी हो, समझदार ऐसे ही होते हैं, बट फिर वो वीकनेस ढूंढेंगे जो आपकी चाहत है। मींस यू लाइक टू स्टडी, यू लाइक टू पेंट, और यू लाइक टू डू स्पोर्ट्स, तो उसी में आपको करेंगे, ये भी याद रखना है ना। बट अपना संयम नहीं खोना है ना, दीज थिंग्स आर जस्ट टू भटकाने के लिए। ओके, थर्ड वर्ड यूज्ड लाइक टू, जैसे मैंने बोला इसमें तीन चीजें और थी जो आपने फिल्म में अगर नोटिस करेंगे, हमेशा पूछता हूँ क्या है। एक तो थी द टारगेट्स, जो भी एडिक्ट्स थे वो सारे युवा थे। आपने कोई देखा कोई मिडिल एज पर्सन या कोई ओल्ड पर्सन को कोई बोल रहा है एडिक्ट हो गया? नो, द टारगेट इज यूथ, बच्चा, बच्चे से, मतलब मे बी फ्रॉम 7th-8th standard ऑनवर्ड स्टिल कॉलेज, क्योंकि मैं एडिक्ट नहीं बन सकता एट माई एज, है ना। कोई 35-40 ईयर्स का है वो भी एडिक्शन का शिकार नहीं हो सकता, अनुभव हो सकता है। एंड इट इज यू हैव फेस, यू हैव सीन लाइफ, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एडिक्टेड आफ्टर योर कॉलेज डेज एंड ऑल दैट, द एडिक्शन विल स्टार्ट देन इन स्कूल और द हायर स्कूल एंड इन कॉलेज। तो यू मस्ट हैव सीन दैट फिल्म, अगर आपने ध्यान से देखी, उसमें एक पॉइंट मैं पूछता हूँ, तीन पॉइंट क्या थे? दो तो ये वर्ड्स थे विच आर इम्पोर्टेंट, एंड तीन पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के। एक था टारगेट सब यूथ है, तो यू यूथ हु आर हियर यू शुड बी मोर केयरफुल, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू बिकम एन एडिक्ट, बट आई एम ओनली एडवाइजिंग यू दैट यू शुड बी केयरफुल फॉर दीज रीजंस। टारगेट्स आर यूथ। सेकंड, वैरायटी ऑफ ड्रग्स, देखा आपने उसमें, स्टार्टेड फ्रॉम गांजा एंड एंडेड विद एसिड, वो भी एक टैबलेट होता है, एक्सटेसी, मतलब देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स। एक नहीं है, एक खतरा नहीं है जिससे आपको बचना है, बहुत टाइप के हैं, देयर आर नच, वो मैं आगे बात करूंगा आपको। बट वैरायटी कितनी थी आपने उसमें खुद ही देखी होगी। आई थिंक देयर वर 7 or 8 टाइप ऑफ ड्रग्स मेंशनड इन दैट फिल्म इटसेल्फ, सो देयर इज अ वाइड वैरायटी, देयर इज नॉट वन, सो दे कैन ऑफर यू एनीथिंग फॉर द लाइज दे हैव टू टेल यू। एंड थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट वाज द शिफ्टिंग पोटेंसी, कई पोटेंट इतने नहीं होते, कई बहुत पोटेंट होते हैं। हेरोइन इज द वर्स्ट ड्रग इन द नेचुरल ड्रग्स कैटेगरी, ऐसा बोलते हैं, उस फिल्म में भी था कि एक बार आप हेरोइन का एक बार वो ले लो दैट इंजेक्शन, you may not be able to leave it for life, that addictive, you know. So potency also is a different, the variety is also number of them, and the youth are the main targets. And why? I've told you, they like, why? Because they want to take in the wrong direction, whatever may be the reason. Our motto, not to follow it. Okay, next is intoxicants. Kya hote hain intoxicants? Bahut type ke hote hain. Why are drugs so dangerous? Main jo bol raha tha, cigarette, maine aapko mera example diya, maine chhod diya, तो अब छोड़ सका मैं, क्यों? I'll tell you. Intoxicants are of many types. Cigarettes are intoxicants, right? Because उसमें cigarette itself is not an intoxicant. Intoxicant क्या है उसमें? क्या आपको लत किस चीज की लगती है? Addiction. That is nicotine. Nicotine जो tobacco में होती है वो आपको addiction देती है, right? So that is the thing. बाकी जो उसमें paper होता है, जो carbon होता है, that damages your health. That is something else. But the addiction, the intoxicant is nicotine. Okay? Second, even liquor, alcohol, होता है उसमें. Alcohol is also addictive and alcohol is also an intoxicant, right? ये भी आपको मालूम होगा. Alcohol भी दो प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है, ethyl alcohol, methyl alcohol. And which alcohol is poisonous? Methyl alcohol. ये जो local brewing करते हैं ना, country made liquor, वो ज्यादा अगर brew हो जाता है तो वो methyl alcohol बन जाता है, तो फिर लोग उसको पी के मर जाते हैं, because it becomes poisonous. Anyway, but liquor itself, because it has alcohol, it is intoxicant. Next comes, even tea, coffee जैसी चीज भी लत लगाती है, addiction cause करती है, क्यों? क्योंकि उसमें caffeine होता है, right? So caffeine is also an intoxicant, or it is also habit forming, or it is also addictive. This is all. The fourth one is drugs, you know? The drugs part of it. These are intoxicants. Last is drugs. Why are they that dangerous? I was trying to tell you this. क्यों इतने dangerous है? सिगरेट्स, लिकर, टी, कॉफी, ऐसी कोई भी चीज जो आपको एडिक्शन देती है वो आपको फिजियोलॉजिकल एडिक्शन क्रिएट करती है, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस बोलते हैं उसको, राइट? तो फिजियोलॉजिकल मीन्स आपकी बॉडी उसकी आदत पड़ जाती है, राइट? बट ड्रग्स में द डैमेज इज डबल, इट इज फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस अलॉन्ग विद साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, दैट इज वाई इट इज सच अ डिफिकल्ट हैबिट टू लीव, so better is to keep away. देखिए मैंने आपको सिगरेट का एग्जाम्पल दे दिया, मैंने छोड़ दिया, बड़ा मुश्किल हुआ, बट मैंने अपनी बॉडी को, मेरे फिजिक मेरी फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस थी, तो मैंने अपनी बॉडी को अपने माइंड से लड़ा,
मैं जीत गया. कई लोग जीत जाते हैं, कई लोग वो भी नहीं जीत पाते शायद, राइट. बट अगर आपका माइंड भी एडिक्टेड है और आपकी बॉडी भी एडिक्टेड है, तो आप बॉडी को माइंड से लड़ोगे कि माइंड को बॉडी से लड़ोगे? दैट इज वाई ड्रग्स बिकम्स वेरी डेंजरस मिक्स, बिकॉज योर बॉडी इज ऑल्सो एडिक्टेड एंड योर माइंड इज ऑल्सो एडिक्टेड, एंड देन यू कैन फाइट नन विद द अदर. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव. इवन द अदर हैबिट्स आर बैड. आई एम नॉट सेइंग वो अच्छे हैं आप कर लो और फिर आदमी छोड़ देना. नो, दे आर ऑल्सो बैड. दे आर ऑल्सो बैड हैबिट्स एज दे से. बट दिस इज अ बैड, दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग. क्यों? क्योंकि वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लीव वंस यू बिकम एन एडिक्ट. सो बेटर इज नॉट टू बिकम दैट एडिक्ट, राइट. एंड हाउ? थ्रू अवेयरनेस. वो सब बातें जो मैंने बोली हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना, आपका साथी ही होगा, और झूठ बोल के आपको रस्ते पे डालेगा, सच बोल के कोई नहीं डालेगा. और क्योंकि आप डलोगे भी नहीं, बिकॉज यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट पीपल, एवरी ह्यूमन बीइंग इज. नाउ व्हाट इज अ ड्रग? ड्रग्स, जैसे मैंने उसमें लिखा था, इसका 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 डेफिनेशन ये होती है, एनी सब्सटेंस अदर देन फूड विच चेंजेस द वे द बॉडी और माइंड फंक्शंस, दैट इज अ ड्रग. ओके, ड्रग्स आर ऑफ टू टाइप्स. फार्मास्यूटिकल, आपने सुना होगा दवाइयां, इसे बोलते हैं आपकी उपचार के लिए. और दूसरा है नार्कोटिक ड्रग्स. इनका कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती, इनकी सिर्फ एडिक्शन की वैल्यू होती है, करेक्ट. तो दिस नार्कोटिक ड्रग्स इज जिसकी हम बात करेंगे अभी विस्तार में. बट मैं आपको एक चीज और बता दूं, लोग जब नार्कोटिक ड्रग्स तक नहीं पहुंच पाते, तब वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, उनका भी अब्यूज करके नशे के लिए उसका उपयोग करने लगते हैं, है ना. तो दे आर बोथ ड्रग्स. दे आर, वन इज फॉर योर ट्रीटमेंट एंड वन इज फॉर योर मिसट्रीटमेंट, मतलब फॉर योर डिस्ट्रक्शन. वन इज फॉर योर उपचार के लिए है, एक आपके खात्मे के लिए है, एक तरीके से, है ना. बट जो लोगों को नार्कोटिक ड्रग्स जब नहीं मिलते, तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का भी अब यूज करने स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा. अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत चिंता में डालते हैं, अपन उसकी बात करते हैं. पहले WHO says that there are 19.8 crore drug addicts in the world. अभी उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट में पढ़ रहा था 2019 की, उसमें उन्होंने इस फिगर को बढ़ा के 31 करोड़ कर दिया है. Of drug users, okay, who have used drugs rather than drug addicts, drug users, they have used the word. So 30 crores is for nearly 4% of the world population. And drug addicts, jo users hain, jinka figure available hai WHO ke paas, वो होंगे जो कभी ना कभी किसी रिहैब सेंटर में गए होंगे, या किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, या कहीं पे किसी गिरफ्तार हुए होंगे, वहां उन्होंने बताया कि हम ड्रग यूज करते हैं, है ना. घर में बैठे बैठे जो ड्रग यूज करते हैं, और जो बेचारे ड्रग यूज करके वहीं पे खत्म हो जाते हैं, जो गली मोहल्ले में करते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जो कभी कहीं पहुंचते नहीं किसी रिहैब सेंटर या किसी हॉस्पिटल या कहीं पे, उनके अलावा है ये. सो दिस 30 crores इज 5% of the world population are registered drug users and narcotic drug users. 5% is a big number. It's not a small amount, okay? And ये registered है. अगर आप average ले लो कि there must be at least 3-4 times मान लो जो होंगे जो इसके casual users होंगे या जिनका record ही नहीं होगा, तो कितना figure हो जाता है? 20% nearly, 18% to 20% people in this world are using drugs casually or seriously or at that level that they become addicts and then they even die with it. So that's a huge number. 20% is huge. It is not small. तो ये सारे लोग तो खुद तो एडिक्ट्स हैं, बट फिर दूसरे को भी एडिक्शन की आदत डालने के लिए अवेलेबल हैं, ये याद रखना. ये जो ड्रग का ट्रेड है, इलीगल ड्रग का, उसकी वैल्यू कितनी है? अकॉर्डिंग टू सर्वे द वैल्यू इज 500 billion US dollars. ये जो ट्रेड है एक साल में कितना? 500 billion US dollar. अब कितना रुपए हुआ ये आपको, इट इज 500 billion US dollars इज अ ह्यूज फिगर. इसमें कितने रुपए होते हैं? 7 × 5 = 35, राइट. तो 35 lakh crore का ये बिजनेस है द वर्ल्ड ओवर. कितने जीरो? शायद आप नहीं बता पाओ, मैं भी नहीं बता पाऊंगा अभी तो, विदाउट अ कैलकुलेटर. इट इज सच अ बिग बिजनेस.
And this is the illegal trade. I'm not talking about the medicinal, the pharmaceutical. The illegal drug trade is valued at $500 billion. It is said that the illegal business is the third largest business in the world. तीसरा सबसे बड़ा वैध अवैध बिजनेस अगर आप मिला लो तो तीसरे नंबर पे आता है इलीगल ड्रग ट्रेड. पहले नंबर पे क्या आता है? पेट्रोलियम, ऑयल ट्रेड, ऑयल का एक्सट्रैक्शन, ऑयल का रिफाइनिंग, ऑयल का सेल, पेट्रोलियम ट्रेड, राइट? नंबर वन बिजनेस. नंबर टू बिजनेस आर्म्स ट्रेड. आर्म्स ट्रेड भी ये नहीं ये कट्टे और ये चाकू और ये आर्म्स आर्मामेंट्स ट्रेड, ये जो होते हैं डिफेंस के, प्लेन्स एंड राफेल एंड शिप्स एंड सबमरीन्स, उनका. दैट इज द नंबर टू बिजनेस इन द वर्ल्ड पैसे के मान से. और नंबर थ्री अवैध नार्कोटिक ड्रग्स का व्यापार. इतना बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस नहीं है. तो जिसमें इतना पैसा, उसको सिर्फ क्या पकड़ के खत्म कर सकते हो कि हमने पकड़ लिया सब अपराधी, सब बंद कर दिए? इट्स नॉट पॉसिबल. इतना पैसा है, आप एक को पकड़ोगे दस तैयार होंगे, है ना? दिस इज द प्रॉब्लम दैट इट कैन नॉट बी डेल्ट विद ओनली बाय इन्फोर्समेंट, पकड़ने से, राइट? ड्रग एडिक्शन कॉजेज ह्यूमन डिस्ट्रेस, ये तो आप जानते हैं, बहुत ह्यूमन डिस्ट्रेस होता है. इलीगल प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, इट क्या होता है, उससे क्राइम भी बढ़ता है, वायलेंस भी बढ़ता है, टेररिज्म तक बढ़ता है, है ना? तो ड्रग एडिक्शन कॉजेज ह्यूमन डिस्ट्रेस, ड्रग प्रोडक्शन इलीगल कॉजेज वॉट? क्राइम, वायलेंस एंड टेररिज्म. इंडिया के फिगर्स देख लो आप, रजिस्टर्ड हेरोइन एडिक्ट कितने हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिगर्स? 50 lakhs. रजिस्टर्ड हेरोइन, आई टोल्ड यू हेरोइन इज ओनली वन टाइप ऑफ ड्रग. 50 लाख का अगर आप 4-5 गुना ले लो, जो कभी रजिस्टर ही नहीं हुए, तो कितना हो जाता है? 4-5 गुना हो जाएगा इसका, करम 2.5 लाख. 2.5 लाख लोग तो सिर्फ हेरोइन के एडिक्ट हैं इन दिस कंट्री. यू कैन इमेजिन कि क्या स्थिति है इंडिया में भी एडिक्शन की. इट इज नॉट दैट सिंपल. एवरी डे इन इंडिया 10 पीपल कमिट सुसाइड ड्यू टू ड्रग अब्यूज. दिस अनदर फैक्ट. ड्रग में एडिक्ट हो गए और ड्रग नहीं मिल पाई या जो भी हुआ, एंड दे अल्टीमेटली कमिट सुसाइड. ये भी छोटा नंबर नहीं है. तो ये डिस्टर्बिंग फैक्ट्स हैं जो आपके सामने मैंने पेश किए दिखाने के लिए कि कितनी गंभीर समस्या है और उसका समाधान मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या कहाँ से आती है और क्या उसका क्या उससे हो रहा है, ये अब पता चलता है. ये है वर्ल्ड ड्रग डेथ मैप. दुनिया में ड्रग्स से कितने लोग मरते हैं, मरते हैं, नॉट एडिक्शन. इंडिया का पोजिशन आप देख लो, ग्रीन. ग्रीन मीन्स इट इज नॉट द हाइएस्ट बट इट इज नियर द हाइएस्ट पॉइंट, राइट? Most of the countries which are in that range, ek to ye red mein jo dikh rahi hai aapko countries, these are North Africa, some part of Middle East and Central Asia. Ek wo Kazakhstan hai shayad, that country, red country, okay? And see the green. Green is Russia, USA, Canada, India, some part of South America, and some, but there must not be more than 5-6 countries, okay? So we are not that well off even in the case of drug deaths. We are in the dangerous category. Matlab ye to recorded figures hai. पर हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है एक. हम मैंने जिससे भी बात करो ना, तो हम इंडियन से तो ये सोचते हैं कि अरे ड्रग एडिक्शन, अरे वो तो किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी नाले के किनारे किसी को ना प्रॉब्लम हुआ, वो होते हैं एडिक्ट, कोई झुग्गी में जो रहते हैं, कोई स्लम्स में रहते हैं. दिस इज द फीलिंग पीपल हैव. इफ यू टॉक टू जनरल इंडियन, वो यही बोलेंगे कि हाँ है तो सही, मैंने भी सुना है, पर होगा कहीं वहां पे उधर कहीं, हमारे इधर थोड़ी है कोई. क्योंकि एक तो लोग बताते नहीं है और दूसरा तैयार नहीं है उसके लिए, है ना? आपके घर में भी होगी, आपको शायद पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आजकल ड्रग का इंडिया में भी यही सिनेरियो है. रेव पार्टीज एंड सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन व्हिच योर यूथ, योर आवर चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड इन, है ना? एंड इट कॉजेज इट इज नॉट दिस एनीमोर, इट इज दिस ऑल्सो. ओके, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. अब मैं ड्रग टाइप्स की आपको जानकारी देखो, जानकारी होना बहुत जरूरी है. वंस यू हैव द अवेयरनेस, यू मस्ट हैव द इन्फॉर्मेशन. Once you have that information, then I always say you must act on it. You know, that's awareness. So I'm going to give you the information, then you have to act on it and make yourself safe. So drug types kya hoti hain? First type is natural drugs, jo ugai jati hain. These are the naturally occurring drugs. Ye ek category hai uski depressants, jo aapke activities ko depress karti hai. Wo hai opium family of drugs. Opium means afim. Maine aapko bataya afim ki kheti bhi hoti hai yahan pe. To afim is a natural depressant. Teen type ke drugs hoti hain. डिप्रेसेंट, जो आपकी एक्टिविटीज को डिप्रेस करती है. दूसरा स्टिम्युलेंट, जो स्टिम्युलेट करती है. और तीसरा हेलुसिनोजन.
हेलुसिनोजन मीन्स जो आपको एक हेलुसिनेशन देती है, अलग अलग विचार आते हैं मन में और आप अलग दुनिया में चले जाते हो और वो दुनिया तो किसी काम की होती नहीं है और ये दुनिया में आप किसी काम के रहते नहीं हो, सो अल्टीमेटली यू आर ऑफ नो यूज टू सोसाइटी एंड टू योरसेल्फ. सो ओपियम फैमिली ऑफ ड्रग्स, ब्राउन शुगर, स्मैक, हेरोइन, दीज आर दी ओपियम से बनने वाली ड्रग्स एंड ये डिप्रेसेंट्स है, नेचुरल ड्रग. ये आपकी जानकारी के लिए है. ये है ओपियम की खेती. ओपियम की खेती होती है पॉपी से. पॉपी प्लांट्स आर ग्रोन. ये तो ऑफकोर्स अफगानिस्तान का है ये फोटोग्राफ, बट पॉपी इज द बेस जहां से ओपियम बनता है. और वो भी सारे पॉपी नहीं. इफ यू गो टू नेदरलैंड्स तो ट्यूलिप्स एंड पॉपीज के यू कैन फाइंड ब्यूटिफुल गार्डन्स इवन इन श्रीनगर देर आर देयर इन द स्प्रिंग सीजन. तो बहुत ही सुंदर पॉपी इज अ डेकोरेशनल प्लांट ऑल्सो, बहुत ही सुंदर प्लांट भी है. बट उसका जो व्हाइट पॉपी जो होता है जो इसमें दिखा है एंड पिंक पॉपी, आपको बीच में पिंक भी दिख रहा है, तो दे आर द सोर्स ऑफ ओपियम ऑल्सो. है ना, डेकोरेशनल के अलावा ओपियम का सोर्स व्हाइट पॉपी एंड पिंक पॉपी. ये हमारे इंडिया के खेत हैं. आप मैंने जैसे बोला खेती होती है इसकी वैध खेती मंदसौर, नीमच, रतलाम जिलों में और ऑफकोर्स राजस्थान के एंड वन और टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरी वेरी माइनर इन यूपी, बाराबांकी एंड गाजीपुर, बट वेरी लेस. मेन इज दिस बेल्ट ऑफ एमपी एंड राजस्थान. तो ये एमपी के हैं खेत. जब इसका जो जो पेटल्स जो होती हैं, जैसे इसमें आपको दिख रही हैं ये फूल दिख रहा है, फूल की जब पेटल गिर जाती हैं, जो इसकी जो पंखुड़ियां हैं, तो बचता जो है उसको बोलते हैं डोडा. ये जो आपको ग्रीन सा दिख रहा है दैट इज अ बड. तो इसमें होता है ओपियम. तो इसमें ज्यादातर वो गिर गई हैं जो पत्तियां हैं, जो उसके पंखुड़ी हैं, और सिर्फ डोडा बचा है. तो ये इंडिया का खेत है. डोडे में चीरा लगाया जाता है, इट इज कॉल्ड लांसिंग. तो एक स्पेशल एक छोटा सा चाकू टाइप होता है, उससे वो चीरा लगाते हैं और फिर ये ऐसे ओपियम उसमें से ऊज होता है उसके जो डोडे में से, और फिर उसको कलेक्ट करा जाता है सुबह और वो होता है गम ओपियम, जिसे बोलते हैं रॉ ओपियम. ऐसा चीरा लगाने का एक वो उसको लैंसिंग के लिए जो यूज होता है टूल, वो ये ऐसा है. बाद में जब ओपियम कलेक्ट हो जाता है तो वो व्हेन इट सॉलिडिफाइज एंड इट बिकम्स ब्लैक इन कलर, जितना काला ओपियम का कलर हुआ उतना ज्यादा वो अच्छा ओपियम है, प्योर ओपियम माना जाता है. इट कैन बी फ्रॉम चॉकलेट ब्राउन टू ब्लैक. रिमेंबर दिस. देखिए मैंने गैंग पकड़ी थी इंदौर में जब मैं एडीजी था. एक यहाँ कॉलेजेस हैं खंडवा रोड पे, उसके पास ही ऑपरेट करते थे. वो डिबिया में इतनी सी प्लास्टिक की डिबिया आती है ना, उसमें 1 ग्राम ये ओपियम बेचते थे बच्चों को, और वो ओपियम बच्चे उसको चाटते थे फॉर लिकिंग. ओपियम के बॉल्स, ये जो रॉ ओपियम है उसके गोलियां बना के भी बेची जाती हैं. ये जो ट्रक ड्राइवर्स एंड ऑल हैं इससे मतलब, बिकॉज इट्स डिप्रेसेंट, तो यू बिकम मोर फोकस्ड व्हेन यू आर यूजिंग दिस. ऐसा टिल यू बिकम एन एडिक्ट एंड बिकम यूजलेस. तो दिस इज व्हाट पीपल डू. तो ये गैंग पकड़ी थी मैंने खंडवा रोड उस पर ऑपरेट करती थी, और उसमें कुछ बच्चे भी मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व वर्स गेटिंग इट्स होल्ड इन द कैंपसेस. उसमें 1 ग्राम ओपियम की वो छोटी छोटी डिबिया होती थी प्लास्टिक की, और वो पता है कितने के बेचते थे, 500 रुपए की एक डिब्बी. ओके, दिस वाज आई एम टॉकिंग अबाउट 2-3 इयर्स बैक. ओके, तो 500 रुपए की वो एक 300 से 500 रुपए की एक डिब्बी बेचते थे. एंड हाउ मच इज दिस इलीगल प्राइस ऑफ ओपियम, अगर आगे अभी आप जाके उस एरिया में खरीदने का प्रयास करो, क्योंकि ओपियम उगाई जाती है वहां पे, तो वो तो मोस्ट ऑफ इट इज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट. But there is some illegal cultivation, some extra part is always there, which people, these criminals hide, and then they sell it in the black market and then do smuggling with it and also convert it into heroin also. So, वहाँ पे अगर आप आज opium खरीदने जाओगे, तो आपको करीब 1 लाख के करीब शायद मिलनी चाहिए 1 किलो. Okay? So, 1 किलो में से 1 ग्राम was being sold for how much? 500 rupees. Okay? And what is the 1,000 grams? 1 kilo is 1,000 grams, 1 lakh rupees. So, 1 gram is how much? They are selling it for 500. So, if into 1,000, how much has become? 5 lakhs. So, it has already become 5 times the price by the time it reaches Indore from Mandsaur. 5 guna uska price bad gaya. See, this is the profit margins. Yahan se agar wo Bombay chale jayega, to wo 5 guna, wo 25 guna bad jayega. Aur wo jab bahar videsh chale jayega, to kitne ki hoti hai aajkal ek किलो ओपियम, वो शायद 100 गुना बढ़ जाएगा. दैट्स हाउ इट गोज. दिस इज द प्राइस एडिशन, वैल्यू एडिशन, एंड दैट्स हाउ इट्स सच अ डेंजरस ट्रेड टू फॉलो. तो ये ओपियम आप पहचानना चाहिए, गलती से भी नहीं लेना, तो पहचानना है कि कैसी दिखती है. ओपियम अफीम काले रंग की होती है,
आपको कोई भी झांसा देके बोलेगी ये तो कुछ और है, ये तो हाजमोला की गोली है, प्लीज डू नॉट बिलीव इट, इट इज ब्लैक इन कलर या चॉकलेट ब्राउन. उसको कन्वर्ट करते हैं टू, आई टोल्ड यू, इन टू हेरोइन, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिप्रेसेंट. तो ऊपर आप लेफ्ट साइड में अगर देखें तो दैट इज अफीम, और नीचे जो आपको राइट साइड में बिल्कुल लोएस्ट कॉर्नर पे दिख रहा है दैट इज हेरोइन, दैट इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. इट स्टार्ट्स विद ब्लैक गम टाइप सब्सटेंस, उसमें एसिटिक एनहाइड्रेट, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, बट उसको खेतों के पीछे छोटी छोटी देख, यू कैन कॉल इट अ फैक्ट्री बट इट्स नॉट एक्चुअली अ फैक्ट्री, इट इज जस्ट अ कन्वर्जन प्रोसेस फ्रॉम ओपियम टू हेरोइन, एंड इट कैन बी डन, इट इज डन लोकली बाय दोस दैट फार्मर हु इज ऑल्सो अ स्मगलर. हेरोइन को पहचानना है तो मैंने आपको बोला हेरोइन इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, जैसे नमक या चीनी होती है ना, क्रिस्टल्स होते हैं उसमें, तो उसको भी आपको पहचानना बहुत जरूरी है. ओपियम इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है. उसको लेने के तरीके ये हैं, उसको चम्मच में या किसी फॉइल में उसको आप ओपियम रखोगे, वो रखोगे हेरोइन, तो उसको नीचे से कोई आप हीट का सोर्स दोगे तो इट विल बिकम लिक्विड, इट लिक्विफाइज वेरी फास्ट. सो वंस इट बिकम्स अ लिक्विड देन दे इंजेक्ट इट आइदर, जैसे आपने लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इंट्रावीनसली इट इज टेकन, दैट इज व्हाई इट इज सो एडिक्टिव. एंड जैसे मैंने आपको बोला, एक बार अगर आपने कभी हेरोइन ले ली तो शायद आप उसको कभी ना छोड़ पाओ, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इन टू योर ब्लड स्ट्रीम. ओके, एंड दैट इज वन वे. द अदर इज स्मोक्ड, इट इज ऑल्सो स्मोक्ड, हेरोइन इज ऑल्सो स्मोक्ड बट वेरी लेस, मोस्ट ऑफ इट इज इंजेक्टेड. तो ये इंजेक्शन वाला प्रॉब्लम जो है ना, इट कॉजेज डबल डैमेज, इट कॉजेज एडिक्शन ऑफकोर्स, बट इट ऑल्सो कॉजेज डिजीज, बिकॉज जो नीडल्स यूज करते हैं ये एडिक्ट्स, वो बार बार वही एक दूसरे की भी करते हैं ऑल दैट, तो दे आर ससेप्टेबल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज लाइक HIV एड्स, लाइक हेपेटाइटिस बी, ये जो ब्लड बोर्न डिजीजेज होती हैं. तो आप सिर्फ हेरोइन एडिक्ट को सिर्फ एडिक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं होता, हेल्थ का डिजीज का प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं. ये अगर आप देखो, ये उसका हाल होता है. अगर ये ग्रीस, ये आप नीचे हाथ देखो एक आदमी का, लेफ्ट साइड में, हिज हैंड इज, दिस कॉल्ड अ डिजीज्ड हैंड. उसने इतने ज्यादा इंजेक्शन लिए हैं कि उसका पूरा हाथ ही इन अ वे सड़ गया है, इट हैज रॉटेड. देन दे स्टार्ट टेकिंग इट इन द नेक एंड ऑल दैट, व्हाट ऑल दे डू जस्ट फॉर द एडिक्शन. तो ये जिंदगी क्या इंसान की है? आई डोंट थिंक सो, ये तो जानवर से भी बदतर है. तो पर आदत वो लगेगी एक बार, और बोलना मैं हमेशा एक बार ही पड़ेगा आपको, नहीं, नो, योर ओनली आंसर इज नो, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम द आंसर हैज टू बी नो, व्हाट एवर मे बी द टेम्पटेशन. दिस आई एम टेलिंग यू. ये आप पाकिस्तान का एक व्यक्ति है, इसका नाम आई डोंट रिमेम्बर, बट ही वॉज, इफ यू लुक एट हिज पिक्चर, नॉट वेरी क्लियर, बट इफ यू लुक एट द पिक्चर, व्हाट एज वुड ही गेस, कितने साल का लगता है यार? आई डोंट थिंक आपको, आप बोलो, कोई बोलेगा 60 साल का, कोई बोलेगा 70 साल का, इतने साल का ही लगेगा ये. ये पाकिस्तान का एक व्यक्ति था, he was drug addict, he was a heroin addict, later on he left addiction and became a crusader, and he died also because of the abuse he had done with that drug. But when he died, his age was 35 years. So, ye photograph, agar aap dekho, to kya aapko ye aadmi 35 saal ka dikhta hai kisi bhi angle se? Matlab, he died at 35, to ye to uske pehle ki hogi. So, just imagine, ye haal ho jata hai, once you become an addict of heroin. Heroin ke do smuggling routes hain, jo jahan jyada illegally produce hoti hai. आपको मालूम होंगे शायद, यू मस्ट नो इट, गोल्डन क्रेसेंट इज वन ऑफ देम, इज द ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दे आर द गोल्डन क्रेसेंट. यहाँ पे अवैध रूप से ये प्रोड्यूस होती है ओपियम, और फिर वो उसको हेरोइन बना के उसको स्मगल किया जाता है. सेकेंड इज द गोल्डन ट्राइंगल, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, यहाँ पे भी अवैध रूप से ओपियम इज ग्रोन. आई टोल्ड यू, इंडिया में द ओपियम विच इज ग्रोइंग इज द official cultivation. No country in the world is doing it now. Only India is doing it. Kuch saal pehle tak Egypt and all were also doing, but they have all stopped. And I always recommended India, maybe also it should be stopped. But because there's no medicinal value of that morphine, they have much better synthetic painkillers now. But anyway, that is another thing. But if you see Golden Crescent, Iran, Afghanistan, Pakistan, Golden Triangle, Myanmar, Thailand, Laos, inke beech mein kya aata hai? Between these two areas, of course, it is India. So that is why this is the positional woes, I call it. Hamara position hi aisi hai ki ek side pe golden triangle, ek side pe golden crescent, beech mein India, or it passes through India also.
It is a smuggling route also. It is a consumption route also. And India also produces, unfortunately, for medicinal value. And that is also leaked into the black market. So we are a big target for this kind of drug use, of heroin use. That is why I told you, figure 50 lakhs heroin addicts in India are registered. Now we'll talk about the second natural drug. Yes, I have told you, the other type is stimulant. एक होता है डिप्रेसेंट स्टिमुलेंट इज कोकेन कोकेन एंड इट्स फैमिली ऑफ ड्रग्स वो स्टिमुलेंट होते हैं क्रैक कोकेन पार्टी ड्रग भी बोलते हैं इसको उस आपने फिल्म में देखा होगा एक लड़की है उसे कि उसको ऐसा प्रलोभन दिया था दैट आई कैन पार्टी ऑल नाइट इफ आई टेक दिस कोकेन सो कोकेन इज ऑल्सो कॉल्ड अ पार्टी ड्रग ये रेव पार्टीज एंड ऑल जो होती है उसमें कोकेन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्रैक कोकेन इज स्मोक्ड ऑफकोर्स तो ये इज द सेकंड टाइप ऑफ ड्रग स्टिमुलेट्स योर एक्टिविटीज एंड यू बिकम हाइपर एक्टिव एंड यू नो वंस यू गेट यूज्ड टू इट देन यू कैन नॉट डू विदाउट इट कोका से ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम द कोका प्लांट कोको प्लांट की खेती उससे बनती है कोकेन एंड कोको से क्या बनता है एक्चुअली व्हाई इज इट ग्रोन लीगली इट इज ग्रोन लीगली फॉर व्हाट कोको से यू मस्ट बी नोइंग कोको से बनता है चॉकलेट दैट इज व्हाई इट इज ग्रोन ड्रिंकिंग चॉकलेट जो हमने दूध में मिला के पीते हैं एंड इवन कोका कोला जो है उसमें भी कोक का कोक भी बोलते हैं उसको बिकॉज इट हैज गॉट एन एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस कोको प्लांट इन इट बट दैट्स नॉट द हार्मफुल एक्सट्रैक्ट दैट इज द नॉर्मल एक्सट्रैक्ट हार्मफुल एक्सट्रैक्ट ये है उसका दिस इज कॉल्ड रेनबो अलायंस यहाँ पे इसका ज्यादा ग्रोथ होती है मोस्टली साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया इंडिया में देर इज नो ग्रोथ ऑफ कोकेन और कोको Most of it is Africa based. This is how it is done, looks after it is refined. You must look at this also. You saw heroin, it is a white crystalline powder. This is cocaine. Cocaine is a white powder also, but it is a white soft powder. Chikna, jaise talcum powder hota hai, waise hota hai cocaine. Hai na? And wo jo hai, that is a crystalline powder. That is like chini, ya shakkar, ya namak. And this is like wo jo apan powder apna use karte hain talcum powder it's soft it is chikna hai na this is cocaine wo bhi ban jata hai lab mein and it is smoked also crack cocaine is smoked and it is snorted zyada tar naak ke madhyam se cocaine ko liya jata hai aap kai log jante honge isko aise blade se usko is strips mein cut karte hain aur fir usko naak ke madhyam se snort karte hain it's called snorting of cocaine and because why because this ye jo apne inner surface of the nose hai that is on the right side not this middle part this right these this is very absorption yahan pe bahut fast hota hai that's why some of the vaccines are also given in the nose if you remember swine flu vaccine IV which was given in the nose तो वैसे इसको स्नॉट किया जाता है एंड इसमें आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि दे हैव डाइड ऑफ ड्रग ओवरडोज से मर गए वो गए फिल्म स्टार वो मेनी पीपल डाई इन हॉलीवुड इन इंडिया आल्सो एंड व्हिच ड्रग इज दैट इज कोकेन जनरली व्हाई बिकॉज इट इज स्नॉटेड थ्रू द नोज पर्सन आप ऑलरेडी नशे में है और भी उसने जाके फिर से थोड़ा और ले लिया तो ज्यादा आपने ले लिया तो ज्यादा अंदर जाएगा जाएगा तो फिर आप चले जाओगे सो दैट इज व्हाई इट इज अ ड्रग व्हिच इज कॉजेस मोस्ट ऑफ द डेथ्स ड्यू टू ओवरडोज इज कॉज्ड बाय दिस कोकेन एंड इट्स एनीवे अ स्टिमुलेंट थर्ड टाइप ऑफ ड्रग आई टोल्ड यू नेचुरल अकरिंग ड्रग हेलुसिनोजन हेलुसिनोजन इज मैरिजुआना मींस गांजा और ग्रास भी बोलते हैं उसको वीड भी बोलते हैं उसको पॉट भी बोलते हैं दिस इज गांजा And marijuana, it is called pot. Why is it called pot? Do you know that? Because it can be grown in a pot. गमले में उसको उगाया जा सकता है. And कहीं मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे को याद है कहीं ऐसे महाशय थे जो अपने कमरों में इसको एक एक गमले में उगाते थे है ना अब वो लोग तो पता नहीं कहाँ गए I don't know. I have no track of them. Those two, three like that. But बाकी लोगों ने जिंदगी में हम लोग जो बैच था बहुत अच्छा किया बट वो दो तीन कहाँ गए मेरे को अब ट्रैक नहीं है I hope they're fine. I could only pray for them. But that time they thought they were very cool. But it is not very cool. You know, you just because ye gamle mein uga ke aur ye to ganja pee raha hai and all that. It is a of course a drug. This is how it is done. The kheti ganje ki kheti maine aapko pehle bataya paisa kitna hai isme. Ye photo maine li thi. Bahut saal pehle li thi main SP ta Dhar mein. Maybe 20 years back at least. ये जो खेत था गंदवानी देर इज अ एरिया इन धार डिस्ट्रिक्ट गंदवानी इज अ ट्राइबल एरिया
तो हमें सूचना मिली थी कि वहां पे गांजे की खेती कर रहा है कोई किसान. तो जनरली तो एज एसपी दे डोंट गो टू द सीन ऑफ क्राइम, बट तो मैं इधर इसमें गया था एंड हमने रेड की थी, तो वी फाउंड दिस दिस गांजे की खेती. और वो जो फार्मर था वो था ट्राइबल, ही वाज अ भील आदिवासी. ओके, एंड इसके आसपास था जंगल एरिया था, जंगल एरिया के नीचे जो फुट हिल्स थी उधर था ये, और वहां पे मक्के की खेती हो रही थी. हाँ, उसके अंदर ये गांजे की खेती थी. मक्का की खेती का क्या होता है, इस हाई प्लांट, इट्स अ टॉल प्लांट, इट्स कॉर्न. तो उसके अंदर वो गरीब आदिवासी किसान इस गांजे को उगा रहा था. अब आप ये बताओ मेरे को कि वो उसको उगा क्यों रहा था. ही वॉज नॉट एन एडिक्ट हिमसेल्फ, वो इसलिए उसको उगा रहा था कि पैसा. तो इसी जल्दी, फास्ट मनी, क्विक मनी, लॉट्स ऑफ मनी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो मच मनी इज इन वर्ल्ड, कि वो व्यक्ति, वो गरीब किसान, अनपढ़ भी होगा शायद, इतना ज्यादा अवेयर भी नहीं होगा, बट वो पैसे के लिए उस लालच में इसकी खेती कर रहा था जो शायद कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दे. तो इसलिए मैंने बोला पैसा के कारण ये खत्म सिर्फ पकड़ने से नहीं हो सकती, ये खत्म हो सकती है आपकी अवेयरनेस से. मैं आपको पहले बताया मेरा केस अबाउट टोबैको, रिमेंबर दैट. क्या मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे एज के जो लोग हैं, मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, आपको बताएंगे कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत सारे लोग सिगरेट पीते थे, बहुत लोग पीते, ऑफिसेज में भी, कॉलेजेस में भी, स्ट्रीट्स में भी, यू वुड फाइंड लॉट ऑफ पीपल स्मोकिंग. नाउ यू फाइंड नोबडी स्मोकिंग. व्हाई हैज सिगरेट्स स्मोकिंग बिकम इलीगल इन इंडिया? नो. हैज टोबैको बीन बैंड? नो. बट स्टिल पीपल हैव स्मोकिंग लेस. व्हाई? अवेयरनेस है ना, अवेयरनेस आ गई है कि नहीं करना है ये, नहीं तो स्वास्थ्य जाएगा. इसके लिए भी, ड्रग्स के लिए भी अवेयरनेस आनी है, जो नहीं आ रही है, आनी है कि एक बार लोगे, फर्स्ट टाइम इज द लास्ट टाइम, जैसे ऑलवेज, एक बार लिया चाहे किसी भी कारण से, आपने अपनी एक डेथ वारंट काइंड ऑफ थिंग आपने साइन कर दिया, अपनी एटलीस्ट योर फ्यूचर का डेथ वारंट कर ही दिया, नॉट मे बी योर लाइफ बट योर फ्यूचर इज गॉन. गांजा ऐसे दिखता है जो उसके जो उसकी जो प्लांट, सी वेरी सरप्राइजिंग, गांजा एंड जिसको भांग बोलते हैं, दे कम फ्रॉम द सेम प्लांट, हेम्प. यू नो दैट द फीमेल प्लांट प्रोड्यूसेस गांजा, द मेल प्लांट प्रोड्यूसेस भांग. ओके, सो जब गांजा का वो हो जाता है राइप, सूख जाती है पत्तियों को, तो उसको चूरा बनाते हैं, वो ऐसा लगता है दिस इज रोल्ड इन अ सिगरेट एंड स्मोक्ड, दिस इज गांजा. ओके, एंड इसको चरस भी इससे ही बनता है. चरस मींस उसको रब करते हैं इन योर हैंड, इफ यू टेक दिस गांजा एंड पुट इट इन योर हैंड एंड रब इट, तो वो जैसे अपन मैल निकलता है ना हाथ का, तो काला काला जब कभी हाथ गंदा हो जाता है, तो दैट काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट, दैट इज चरस. तो इट इज मेड फ्रॉम गांजा ओनली, फॉर योर, मतलब इफ यू डोंट नो. इसको जैसे मैंने बोला ऐसे सिगरेट में रोल करके पिया जाता है. इट्स गॉट अ वेरी डिस्टिंक्टिव स्मेल, यू कैन इजीली फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज स्मोकिंग अ सिगरेट और स्मोकिंग अ जॉइंट ऑफ मैरिजुआना. इट्स गॉट अ वेरी डिस्टिंक्टिव स्मेल दैट यू मस्ट नो, सो दैट धोखे से आपको कोई ना दे दे. सिगरेट पीना इटसेल्फ इज वेरी बैड, बट अगर आप सिगरेट के आदियों को इसमें थोड़ा सा गांजा डाल के दे दे, तो आप बोला रही ये तो बड़ी अच्छी सिगरेट, एक और देना यार. तो दैट्स हाउ यू नो, दैट्स हाउ दे इंट्रोड्यूस यू टू इट. उसका एक टिपिकल स्मेल होती है, तो यू शुड नो. आई कैन नॉट मेक यू स्मेल थ्रू दिस वेबिनार, बट यू शुड नो दैट स्मेल, सो दैट यू आर नॉट गिवन दिस बाय मिस्टेक ऑल्सो. बिकॉज दो तीन बार अगर आपने ले लिया, देन यू बिकम यूज टू इट. ऑफकोर्स आफ्टर यू नो इट इज गांजा, देन यू से ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो ठीक था, अच्छा था ये. सो धोखे से भी ना दे, तो आपको ये पहचान बहुत जरूरी है. ड्रग टाइप्स का दूसरा है सिंथेटिक ड्रग्स. सिंथेटिक ड्रग्स, मैंने अभी नेचुरल ड्रग्स बताया, ये है मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, ये और भी ज्यादा बड़ा चैलेंज है. और इसमें भी वही चीजें हैं, द सेम थ्री कैटेगरीज, आई विल जस्ट ओपन देम वंस टू शो यू. दीज आर द थ्री कैटेगरीज, उसमें भी डिप्रेसेंट स्टिमुलेंट हेलुसिनोजेंस होते हैं. बेंजो डाइजपीन्स इज बेंजो, जिसको बोलते हैं डिप्रेसेंट्स. स्टिमुलेंट्स एक्सटेसी एंड आइस एंड ऑल. आइस अगर आपने सुना होगा, इट्स मेथा एम्फेटामिन, जिसको बोलते हैं मेथ भी बोलते हैं उसको. इट इज सो बैड. अगर आप एडिक्ट नहीं हो, अगर उसके क्रिस्टल्स होते हैं, आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, राइट? सो अगर एक क्रिस्टल, इफ यू आर नॉट एन एडिक्ट ऑफ कोर्स, गलती से आपके मुंह में चले जाए किसी के, तो ऐसा लगेगा कि आपके मुंह में आग लग गई. मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज दैट पोटेंट, है ना. एंड पीपल टेक अ हैंडफुल ऑफ क्रिस्टल्स, दे बिकम सो एडिक्टेड.
and nothing happens. They need it for their thing. So this is that harmful. There is no benefit of it except harm. LSD, that is a hallucinogen. वो उस समय हिप्पीज का जमाना था 70 से तब से चल रहा है एलएसडी दैट इज द दैट इज अ हेलुसिनोजन टैबलेट दिस इज इवन अकॉर्डिंग टू मी एक हमने गैंग पकड़ी थी इंदौर में उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा वैसे बट सिंथेटिक ड्रग्स आर अ बिगर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी व्हाई बिकॉज दे आर चीपर ऑब्वियसली उसको तो उगाया जाता है इसको बनाया जाता है तो उगाना तो बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें आप पकड़े भी जा सकते हो सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन इट ये तो बनाया जाता है तो इट इज चीपर It's easy to procure, है ना मिल जाता है easy to smuggle, that's the worst, because अगर मेरे सामने से कोई जा रहा है he's carrying some powder, white powder, or he's carrying marijuana, I told you, it looks कैसे दिखता है तो अफीम ले जा रहा है you can make out, or you can test it, and you can make out, that ये क्या है बट गोली ले जा रहा है कोई तो आपको कैसे मालूम कि ये पेट दर्द की गोली है कि सिर दर्द की गोली है कि ये एलएसडी है कि ये एसिड है you will not know. Unless you have those bigger kits which are there, you can test it. But that is not so freely available. So it's easy to smuggle and effects are even worse. But the natural drugs ke jitne bure effect nahi hote, usse jyada ye synthetic drugs ke hote. Third drug type which I told you, which people are abusing, jab unko natural drugs nahi milte, tab wo prescription drugs jo hoti hain, जो मेडिसिंस होती हैं उनका अब्यूज करके भी अपनी इस एडिक्शन को पूरा करते हैं वो दो टाइप की होती हैं यू हैव टू वेरी केयरफुल एक तो एनाल्जेसिक्स होती हैं एनाल्जेसिक्स मींस व्हाट पेन किलर्स तो पेन किलर्स को वो अब्यूज करते हैं फॉर देयर नशे के लिए एंड सेडेटिव्स सेडेटिव्स मींस नींद की गोली है ना तो सेडेटिव एंड एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड फॉर अब्यूजिंग एक हमने व्यक्ति को पकड़ा था ये पकड़ा क्या था मतलब ही हैड बिकम डी एडिक्ट हो गया था वो एंड आई आस्क्ड हिम वंस एक एल्प्रेक्स बोल के गोली आती है यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट इज अ सेडेटिव एल्प्रेक्स अगर आप एक खा लो सामान्य व्यक्ति तो अभी सो गए तो आप कल सुबह उठोगे जनरली यही होता है एल्प्रेक्स है ना वो व्यक्ति था ही वाज उसका डी एडिक्शन हो गया था तो आई मेट हिम इन सम प्रोग्राम somebody some NGO had got him as a de-addicted person he gave a speech also to maine jab usse pucha ki tum kis cheez ke addict the he said sir main neend ki goli alprex likh raha hu neend ki goli alprex ka addict tha maine acha maine kitna lete the you know how many he told me he used to take 30 in a day 30 tablets but that one tablet you take you will not get up tomorrow as I told you wo 30 goliyan le leta tha fir bhi usko kuch zyada uska prabhav nahi hota hoga anyway आपने पंजाब का केस सुना है ना मैं पंजाब का रहने वाला हूँ बेसिकली आई एम पंजाबी बट आई एम बोर्न इन ब्रॉट अप इन मध्य प्रदेश बट मूलतः पंजाब सो पंजाब वाज इज द बेस्ट स्टेट इन इंडिया ऐसा इन एवरी पैरामीटर बेस्ट इन एग्रीकल्चर पंजाब बेस्ट जीडीपी पंजाब बेस्ट बेस्ट पर कैपिटा इनकम पंजाब दैट वॉज पंजाब व्हाट इज पंजाब टूडे इट स्टिल द बेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू मी आई एम पंजाबी आई विल से दैट बट You must have seen the movie, उड़ता पंजाब भी आपने देखी होगी कहाँ है पंजाब उड़ता मतलब उड़ गया पंजाब कैसे उड़ गया मतलब नॉट पंख लगा के तो नहीं उड़ा वो ड्रग्स के कारण उड़ गया है ना एंड दिस यू कैन सी दिस इट हैज गॉट 70% पेनिट्रेशन रेट ऑफ ड्रग्स इफ यू रीड दैट फिगर इन दैट वन लेफ्ट साइड कॉर्नर 70% पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स मीन्स 70% फैमिलीज इन पंजाब आर एडिक्टेड टू ड्रग्स एटलीस्ट 1% In 70% of the families, there is one member who is a drug addict. And, you know, one person in a family is a drug addict, means the whole family is destroyed. So, ye hal hua hai Punjab ka. The best state in... There may be many reasons. Koi bolta Pakistan se ho gaya, koi ho gaya. Koi bhi karan ho. But liya to khud logon ne na. To isi liye, the sabse samridh, sabse pragatishil, sabse achha state India ka... का ये हाल है एंड इट कैन ओनली सोल्यूशन आई टोल्ड यू इज अवेयरनेस तो आपको अभी से अवेयर होना है एंड अभी से क्या बोलना शुरू करना है नो ये इंदौर की फिगर है ये भी 2 साल पुरानी है अनफॉर्चुनेट युवाओं की नसों में फैला जहर आपका शहर अपना शहर हमारा शहर इंदौर पता नहीं बाहर के भी लोग होंगे इस वेबिनार में बट इंदौर इज माई सिटी एट प्रेजेंट 60,000 to 70,000 पीपल टेक ब्राउन शुगर दैट्स व्हाट इज रिटन इन दिस रिपोर्ट 15,000 to 20,000 पीपल टेक चरस और गांजा व्हाटएवर चरस इफ यू इंक्लूड दीज टू फिगर्स इट बिकम्स 1 lakh ओके एंड सिटी इंदौर इज मे बी अराउंड 25 to 30 lakhs एट मोस्ट ओके 25 lakhs मान लो तो इफ 1 lakh पीपल आउट ऑफ 25 to 30 lakh आर एडिक्ट्स
So this is a very big figure. And it's not a small figure. So we are also not in that safe zone. We are also heading towards the disastrous zone. So we have to come back. I've told you the way. See the effects of it. I just wanted to get, there's a film on it also. It's a very long film. I didn't want to show it. So I just got these grabs for you. Just look at this. This girl in January 9, 2008 looks like this. And in August 2008, she looks like that. Just imagine, 7 months mein aisa change ho sakta hai kya? Normally. Ye mahila, 2000 mein aisi, 2004 mein aisi. Ye vyakti, 2000, 2007 saal ka farak ye hai. Is this 7 year aging process? 2003 se 2007, 4 years. This is what is the effects of this kind of drug abuse, okay? And you can see these, in ke chehre pe, just see these marks, can you see? On their faces, this marks kind of thing, on this right side, and why do they happen? You know it. You cannot even think of it. You might give many reasons, but the main reason for this is that when they take the drug, they feel as unke skin ke andar, wo keede makode chal rahe hain. Itching, so they itch so badly that they will injure themselves, and then wo to khoon niklega jo bhi hoga, fir thode der baad aur drugs lenge, fir se lenge to aur usko phir kuch nahi karenge, to it becomes a, isko nasoor bolte hain hindi mein, it becomes irreversible kind of a wound. Just imagine, ye life hai, this is no life, just for one mistake. ये खबर छपी थी, अगर आप इसको पढ़ लो, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ये इसमें उसका डिटेल है. मैं पंजाब में साधारण परिवार का हूं. पिता ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराया, जब चाय तक नहीं पीता था. इंजीनियरिंग छोड़ स्पोर्ट्स पर फोकस हो गया. 2010 में मैं कई कबड्डी टूर्नामेंट खेला, जीता भी, पर जॉब नहीं मिली. लोग ताने देते थे कि खेलते ही रहोगे या काम भी करोगे. या मिस्टर रोहन व्यास, प्लीज डू नॉट एनोटेट ऑन इट, मैं आपका पता कर लूंगा आईपी एड्रेस एंड यू विल बी इन ट्रबल. आई एम नॉट, आपको मजाक करने के लिए मैं नहीं आया हूं यहाँ पे. गम भुलाने के लिए नशा करने लगा. नशे में रेलवे ट्रैक पर सो गया. ट्रेन आई और एक मेरी टांग कट गई. ठीक है, फिर शादी हो गई, रोजगार फिर भी नहीं मिला, फिर नशे की तरफ मुड़ गया. कुछ दिन पहले टांग में दर्द उठा. डॉक्टर के ने कहा कि नशे के इंजेक्शनों की वजह से नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, जान बचाने के लिए दूसरी टांग भी काटनी पड़ी. जस्ट इमेजिन, नाउ सी इज कंडीशन पहले एंड सी इज कंडीशन आज, एंड दिस ऑल फॉर दैट वन मिस्टेक. गेट इन शेप ड्रग, ये मैं आपको पहले बता रहा था, दिस इज अ ड्रग, दिस इज कॉल्ड मेथाडोन. इसका एक हमने सीजर किया था इंदौर में, दैट्स व्हाई आई नो इट. मेथाडोन, मेथाडोन इसका नाम है इस ड्रग का. स्ट्रीट नेम इज एमडी, इट इज कॉल्ड एमडी, मेथाडोन. इसको मैंने मुंबई से तक, हमने इसके तार जोड़, वी हैड कॉट द स्मगलिंग होल रैकेट एंड वन नाइजीरियन वाज रनिंग इट इन मुंबई. इफेक्ट्स आर लाइक हेरोइन, इट्स ऑफ कोर्स अ सिंथेटिक ड्रग, आई टोल्ड यू इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग मेथाडोन. Effects are like heroin, depressant, okay? And it is a synthetic depressant. Youth are told to take this powder to get in shape and lose weight. If you find one girl or if you find a boy who is a little overweight, they say that ye tum le lo ye powder thoda sa, dekhna tum thode din mein bilkul shape pe aa jaoge. Aur hota kya hai isse? As soon as you take it, you stop feeling the hunger, okay? So when you stop feeling hungry, then you eat less, of course. Then when you eat less, you lose weight very soon. And once you have lost those 10-15 kilos, you feel, wow, I'm in shape. But then what has happened? You got used to that powder. And then you can never leave it. And the withdrawal symptoms, agar aap isko kabhi chhodne ka prayas karo, it is even worse than heroin. Heroin mein jaise aadmi tadapta hai, uske withdrawal jab hota hai heroin ka, when they do the re-addiction part of it, they give some synthetic replacements, but that's not good enough. So jaise wo, jaise jal, bina jal ke machli tadapti hai na, waise tadapta hai insaan. To usse bhi bura is the withdrawal of methadone. And girls and women are main targets and victims. There was a case in Indore, which is, I will not take the name, but there was a case of Indore when the girl committed suicide in the end, and she was addicted to this methadone. You might have heard that case if you're from Indore, you might have read it also. And she committed suicide in the end, because you know how much it costs?
The cost of methadone on the street in India is 10,000 rupees a gram. 1 gram in Indore would make you, or in anywhere in India, will cost you 10,000 rupees. 1 gram. And if you're addicted to 1 gram, that means in 1 month, how much would you need? 3 lakh rupees. Does a normal student, does a normal child or a normal person have 3 lakh rupees just to get that 1 gram? If you are addicted to that 1 gram, if you're not addicted to more than, then what are you going to do? Then there's a date rape drug. This I always give a description of, especially for women and girls. Please listen very carefully. Common drug. It's called a date rape drug. And it is called ketamine. Ketamine hai jo jisko date rape drug bhi bolte hain. Kyun bolte hain isko date rape drug? Because it is colorless, it is tasteless, and it is odorless. Matlab na uska koi rang hota hai apna, na uska koi swad hota hai apna, aur na uska koi smell bhi hota hai. So that is ketamine, okay, and it is not very difficult to obtain. It is used for spiking drinks, which are given to girls and ladies without their knowledge. Spiking drink means usme mix kar dete hain, kyunki kisi bhi drink mein aap pani mein dal do tab bhi uska koi rang nahi hoga, koi color nahi hoga, koi taste nahi hoga, koi uska rang odor bhi nahi hoga. Jo vyakti uska jisko dete hain wo semi conscious ho jata hai. This is not unconscious. You don't become unconscious, you become semi conscious. Means you are doing everything, but you don't know what you're doing. That is semi-conscious. An effect lasts for nearly 4 hours, one tablet mixed with a drink. After regaining consciousness, the person does not even know what has happened. This is where you hear all these cases of these, a lot of reports come to police. Hum jab the, police thane mein humne jab dekha hai, and when I was SPD, IG, IG and all that, NADG in the zone, that hum meri film bana li and ye kar liya, meko pata nahi chala and all that. This is the drug which is used. Okay, you do not know what has happened. Ek toh you are semi-conscious, you are doing everything, but you don't know what you are doing. And secondly, after you regain your full consciousness, you don't even know what has happened. Women and girls का effect है, do not accept. इसलिए मैं जो precautions है उसका ये है, आप इस कभी भी food कहीं भी आप जाओ, किसी party में जाओ जाना, तो वो भी थोड़ा मतलब you should be choosy and pick and choose your friend. वो तो बाद में बताऊंगा मैं, but अगर आप कभी जाते हो कहीं किसी occasion में, तो एक तो खाना और कोई drink का पदार्थ इतनी accept मत करना किसी से भी easily. खाने में ज्यादातर नहीं मिलाया जाता, बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इट इज इंजेस्टेड, इट गोज इनटू स्टमक एंड देन इट हैज एन इफेक्ट, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. लिक्विड इट इज मोर फास्टर अब्सॉर्प्शन, फास्टर इफेक्ट. ओके, सो खाना बी केयरफुल, एंड पीना पेय पदार्थ इवन मोर केयरफुल. ओके, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से डू नॉट एक्सेप्ट अनसील्ड ड्रिंक्स. कोई ग्लास में लाके दे दिया. इफ यू हैव टू टेक अ ड्रिंक फ्रॉम समवन, लेट इट बी अ बॉटल, लेट इट बी अ कैन, यू ओपन इट योरसेल्फ, अनकॉर्क द बॉटल योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, ताकि आपके सामने आप खुद करो. दैट्स द फर्स्ट प्रिकॉशन. एक तो ग्लो भी नहीं, इफ यू कैन अवॉइड इट डोंट टेक. नो फूड, नो ड्रिंक्स फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ. सेकंड, अगर ले भी रहे हो स्पेशली ड्रिंक्स, इट हैज टू बी सील्ड और बॉटल या सील्ड कैन. ओके, थर्ड इज अपने ड्रिंक को कभी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना. कि टेबल में छोड़ के चले गए, किसी से बात करने लग गए, उधर उधर पड़ा है आपका ड्रिंक और आप उधर मुड़ के किसी से कुछ पूछने लग गए तो किसी ने पीछे डाल दिया. सो डोंट लीव योर ड्रिंक अनअटेंडेड. इफ इट इज देयर, take it, finish it, and then move forward. Narcoterrorism, I will not talk to you much about, but anyway, it is used for funding terrorist activity also, you know, narco money from narcotics. This is not for your consumption, but it is used in India also. Naxalites are also using it, the money used by growing drugs, and then they use it for funding their activities. Lastly, the precautions. This is what I like to tell you. Precaution kya lena hai? है ना, वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स, बट यू नो बताना चाहिए बार बार, तभी सिस्टम का पार्ट होता है. मैं हमेशा पहले भी बोलता हूँ, पहली चीज है, दुनिया में एंजॉयमेंट के बहुत तरीके हैं, ये तरीका नहीं है. अगर आपको कोई भी प्रलोभन दे कि ये मजा करो, ये वो करो, ये तो समय है एंड ऑल दैट, बट डरपोक हो तुम, ये हो वो, कुछ नहीं. बेटर टू बी डरपोक देन टू बी फुलिश. नो, यू मस्ट बी दैट स्ट्रांग इनफ टू से नो. तो देर आर मेनी वेज ऑफ एंजॉयिंग लाइफ, दिस इज नॉट वन ऑफ देम. दैट शुड बी योर मोटो. No drugs, if you know it, no. Accidentally also not, you must recognize, I've told you. But when you know, if you know it, then there is no question. Do not believe in false lies and encouragement. वो तो वो करेंगे कि पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आपके परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा जिंदगी में. वो झूठ और वो इनकरेजमेंट तो आपको देंगे, वो तो उसी से तो आप गलत रास्ते पे जाओगे.
वो थोड़ी बताएंगे मैंने जैसे बोला कि इससे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ले लो, है ना. तो डू नॉट बिलीव दिस काइंड ऑफ लाइज एंड फॉल्स एनकरेजमेंट, दे विल दैट विल बी देयर, है ना. एंड ऑल काइंड ऑफ इंसल्ट्स एंड अब्यूज माइट बी आल्सो देयर, क्या रे डरते है तू, क्या यार नो, बट स्टिल यू हैव टू बी स्ट्रांग बिकॉज दिस विल स्पॉइल योर लाइफ. यू पिक योर फ्रेंड्स विद अटमोस्ट केयर. Everyone is not your friend. Remember that, है ना. मैंने आपको पहले बताया साथी तो बहुत मिलेंगे जिंदगी में, दोस्त कम मिलेंगे, है ना. तो दोस्त जो आप चुनो उनको बहुत ध्यान से चुनो, है ना. ये इसका अपना योर ओन वेपन है ना, उसको यूज करके अपने दोस्त चुनो. साथी तो बहुत है ना. साथी झूठ भी बहुत बोलेंगे, तंग भी बहुत करेंगे, शायद आपको टॉन्ट भी करेंगे, बट कुछ नहीं. दोस्त जो है सच्चा वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, है ना. तो पिक योर फ्रेंड्स विद अटमोस्ट केयर. चूज इवेंट्स टू अटेंड विद कंप्लीट कॉशन, बिकॉज ये जो सब्सटेंस अब्यूज स्टार्ट होता है वो इवेंट्स में होता है, पार्टीज में होता है, बाहर जाना बिक नहीं गया वो उधर ज्यादा स्टार्ट वहीं होता है. तो किसी हर जगह जाना भी जरूरी नहीं है. Make this also the motto, not necessary. If you're invited, you must go. You have, somebody said you must do. Your friend has said you must join him or her. No. You pick and choose your event. Because see, you are on your own. You know? Your parents are with you. Your well-wishers are with you. But only if you want them to be with you. Otherwise, you're on your own. And if you're on your own, in college especially, you are bade ho, so then hostels mein rehte ho, ye rehte ho, then you have to do it yourself. That's why I'm telling you these things. Choose the events with complete caution. Do not trust easily. I've told you before, pick your friends with care and then trust very few. You cannot trust everyone. Pura zindagi nikal jati hai trust jeetne mein kisi ka. Phir bhi shayad nahi kabhi kabhi log safal hote hain, na. To hum to aise trust bhej dete hain bina soche samjhe. Arre isne bol diya to bilkul sahi bola. He is the most smartest guy in my college. What he is doing or what he is saying must be right. No, that's not right. Trust is a very difficult, very difficult to give and very difficult to win. Even the closest person, I believe that, अगर आपको कभी कोई प्रलोभन दे, आपका कितना भी करीबी हो मित्र, मान लो आपका मित्र ही हो, आप उसको मित्र मान गए, आपने उसको पिक भी कर लिया बड़े ध्यान से, उसको सब कुछ कर लिया आपने, और उसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, बट अगर वो किसी नशे की चीज की तरफ आपको कभी प्रोत्साहित करे, इनकरेज करे, तो फिर उसको भी शक की नजर से देखना. डू यू नॉट, मे बी योर बेस्ट फ्रेंड, सो वॉट, लाइफ इज योर्स, इट इज नॉट हिज और हर्स. His, her life is his, hers. Your life is your life. Okay? Treat your parents as your friends. See, when we were kids, our parents were not our friends. Unfortunately, last generation. Now, my kids are my friends. To treat them as your friend. If there is one, two people in this world, believe me, you will, when you grow up, aapne ye bhi dialogue, cliche bolte hain, isko to cliche ye bahut sune honge, but fir se sun lo ek baar. Do log agar duniya mein hain, jo hamesha aapka bhala sochenge, तो वो एक आपका माता और एक आपके पिता है? और कोई नहीं है जो आपका हमेशा ही भला सोचेगा. बाकी छोड़ो अपना बुरा सोच के आपका भला, वो सब मैं उतने बड़े डायलॉग नहीं देना चाहता, बट मैं बस इतना ही आपको बोलना चाहता हूं कि उनको अपने दोस्त मानो, उनसे अपनी समस्याएं शेयर करो, बिकॉज दे विल ऑलवेज थिंक ऑफ योर बेनिफिट, दे विल नेवर थिंक ऑफ योर हार्म, कि मैं ये कर दूं ताकि मेरे बच्चे का घाटा हो जाए, मेरे बच्चे का नुकसान हो जाए, ये कोई नहीं सोचेगा. तो अगर दो लोग आपके भला ही सोचेंगे तो वो हैं आपके माता और आपके पिता. तो उनको अपने दोस्त बना के रखो और उनसे ही एडवाइस और गाइडेंस और शेयर मॉनिटरिंग सब कुछ करवाओ, तो आई थिंक आप गलती करने से भी बचोगे, अगर वो गलती आपके समक्ष आई है और आपको कभी किसी से कुछ पूछना भी है तो. देन इन योर सिबलिंग्स, योर ब्रदर सिस्टर्स, एल्डर वन स्पेशली. लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, इफ आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, प्लीज फॉलो दीज थिंग्स, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग even still you make a mistake, you're human, anybody can, nobody is superhuman. After following this, mother, not that main to karna kuch nahi hai, galti karni fir sochunga, no, aap karo ye sab cheeze jo maine bola, agar aap karna chahte ho to aur agar aap uchit samjho to, aur aap karne ke baad bhi agar galti ho gayi, matlab aapka koi na koi aisa cheez ho gayi jo galat hai, to fir ye mat socho ki duniya khatam ho gayi, fir sach bolo aur fir uska ilaaj karao aur fir सामान्य जिंदगी की तरफ वापस जाओ. इट विल रिक्वायर टाइम, इट विल रिक्वायर एफर्ट, लॉट ऑफ विल पावर. यू मेड अ मिस्टेक, ओके, एडमिट इट एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड एंड कम, बिकॉज आपकी कब होगा आपका मदद, जब आप सच बताओगे ना. सच बोलो, सच बताओ, कम क्लीन, टेल द ट्रूथ, दिस हैज हैपेंड बाय मिस्टेक, आई ट्राइड माय बेस्ट बट आई कुडंट हेल्प इट. देन इट्स नॉट दैट एंड ऑफ द वर्ल्ड दैट यू हैव टू गो एंड किल योरसेल्फ एंड डू समथिंग वेरी रॉन्ग. You can still be, you have to fight it way, your way back, but all of us are fighters, we can always fight our way back.
ये आप केस देखिए, सिंह 16 साल की उम्र में लगी थी ड्रग्स की लत, अब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी के मालिक हैं, नाकाम लोगों को सेकंड चांस देने पर दे रहे हैं मौका। There is a case. There are so many cases like this. So I am saying this. First of all, it is that you do not become an addict in any way. All those things you have to follow. And even if you make a mistake, it's not the end of the world. Don't think like that. इसलिए हम तीन चीजें हमेशा stress करते हैं. This is see, supply reduction is first thing to stop drugs. Supply reduction मतलब enforcement, पकड़ना. Then is demand reduction, मतलब लोगों को समझाना, सिखाना, पढ़ाना कि नहीं करना. जो अभी अपन कर रहे हैं, और लास्ट इज हार्म रिडक्शन, दैट्स डी एडिक्शन, अगर हो ही गया तो फिर डी एडिक्शन। तो मेन इसका की पॉइंट बीच में क्या आ रहा है, डिमांड रिडक्शन। डिमांड रिडक्शन होगा तो सप्लाई कम होगा, और डिमांड रिडक्शन होगा तो सप्लाई जब कम होगा तो अपने आप हार्म कम। सो वी लेट्स बिलीव इन दैट। ओके, नाउ आई विल शो यू वन फिल्म इन द एंड व्हिच वी मेड इट, इट हैज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज। ऐसे मैंने बहुत सारी फिल्म बनाई थी, तो ये एक फिल्म मैं आपको दिखाऊंगा, इसको जरा देखना, देन वी विल फिनिश अल्टीमेटली। Just give me 1 minute to get it on. Can you see this? Not yet, sir. And it's not visible. It's not visible. Yeah. You can't see it? No, sir. No, sir. Sir, we could hear it, but the screen is not visible. Just 1 minute. सर्वर के डिस्कनेक्ट है सर। यू कैन सी इट नाउ आई थिंक ना। यस सर। Thank you.
चेहरा ही आपका कैरेक्टर है। समाज के किसी वर्ग का हिस्सा बनने के लिए उनकी बुराइयों को अपनाना और नशे को गले लगाना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हम सब अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सही और गलत का फर्क समझें और हर प्रकार के ड्रग्स और नशे को बोलें चल हट। That's it. You saw the message. Isme very clearly that there was a person with a white face, future, bright future, and then just to keep up with the people and their expectations, and to be one of the crowd, one of the, you know, cool guys and all that. What all he did, and then ultimately, where was he? Left alone, and nobody to help him, nobody to save him. Akela. Start akela kiya tha, end bhi akela hua hai, par beech mein usne pura garbad kar diya tha. है ना, तो इसीलिए उससे बचना है तो खुद अपने शुरू से ही ये विवेक का इस्तेमाल करके अपन को इस लत से दूर रहना है। दैट इज द बेस्ट वे टू सेव योर लाइफ एंड योर फ्यूचर। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस प्लीज कैन यू कैन आस्क मी। Thank you so much, sir. It was a very insightful and informative session. We have a few questions from our participants. The first question is that what is your take on legalization of marijuana in India, and should it be granted for medical purposes? My take on what? On marijuana for medical purposes? Yes, legalization of marijuana. Dekhe, marijuana is a drug, you know. In some states in US and some countries in UK, in Europe, it is legalized, but I think they do it more for their own profit. Money is not the motive of society, and it is basically a addictive substance. And any substance, I told you, na, even a cigarette is bad. So how can marijuana be good? So marijuana ka extracts are used for medicinal purposes, but they are done under proper guidance, and it is used. It is made into a kind of a curative medicine, and it is used. But I cannot say that you will start smoking marijuana and be happy. That, no way, no question. It's an addiction, and all addictions are bad. And this is an addiction which is, I told you, psychological dependence as well as physiological. Sir, a follow-up question to that is that things like alcohol, tobacco, bhang, and cigarette are also addictive. And why only consumption of drugs is a penal offense, and why not others? Is it because of the revenue that the government gets out of the sale of these products? Like I told you before, that it is a drug which the others you can leave. You may be in a position to quit that habit, and it is something which is harmful for your health. And if you are if you're doing it and then you're aware enough, you can leave it also, because there is a way back. But this is causing double kind of addiction. It is a thing which not only bad for your health, it is bad for your life, for your life of your family, for your future, for society. So that is why it is a crime. You know, not that it is just an intoxicant or something, just which gives you something, some nasha or something like that, which you can, which is also wrong. I'm not any way trying to justify the use of those kind of things, but that is a person's choice. And it harms your health. Don't do it. Good. But this harms your life, harms society, crime increases. There's so many narco-terrorism. I told you so many types of crimes are spawned by it. So much type of terrorism is spawned as a result. So much misery is spawned by it. That's why it's a crime. That's why it has to be strictly and firmly dealt with. So as you have been a part of the executive branch, and you've actually seen on field the use of drugs and how people are succumbing to it, in your opinion, what is the most effective treatment of drug addiction? The most effective treatment? You said that? Yes, sir. What is the most effective approach treatment regarding drug addiction in all these camps or rehabilitation centers? What is the most effective approach in your opinion? There is no approach, but no, you don't have to take it. That's it. I will not try to market the, I told you, there is a way back. It's not that end of the world after, but you have to follow that motto that you are not going to do it. There's no question. Huh? But if you are by mistake or by whatever, after your best efforts,
Then there are the rehabilitation centers, there are de-addiction centers, there are so many things. But why fight that battle? You have many things to fight in life anyway to succeed. You don't have to get it, then you're only fighting that battle. So according to me, the only the best remedy is say no to drugs. That's it. Sir, another question is that what can be done if our colleague or a friend is addicted to drugs, and what can we do on our part to save them from this? That is also I told in my talk that if you know a person who is addicted, then first of all you have to counsel him or get him to some medical, convince that person to take medical help and get himself or herself treated. That is the best thing you can do, that service to that person. And that person first should be ready for it. And then the biggest service you can do for that person concerned is to get him or her back, him or her or his life back on track, back on rails. So that is the best thing you can do. And it can be done, and it is done. And new techniques are coming for doing it. I used to have drug de-addiction camps when I was SP in Ratlam. It was a very, very tough procedure. We had to post police guards there to keep those people in those special wards for, because I told you they suffer, they have to go through a lot. But now new kind of treatments have come, and even in Indore there are a lot of rehab centers. So the interventions have improved, but the best service you can do is counsel the person to get medical help. You are not expert, so you can only convince the person that you must leave this habit. Take professional help, go to a rehab center if necessary, counselor tells, and then get yourself treated, become clean, come back and live like a normal citizen society. That is the best help you can give to such a person, I guess. I completely agree, sir. Participants, are there any other questions? If you have any questions, now is the time to post it in the chat box below. Okay, we have another question, sir. Nowadays, marijuana is easily available in the city and youths are very addicted to it. So what are the steps taken by the police of Indore? Steps are taken. There are a lot of ways in which you can deal with the drug problem. Enforcement is not the only way. I told you before, just because it's available, that doesn't mean you have to access it and use it. So what we do, what the police does, is our job. We do our job as best as we can, but still that doesn't mean that we can finish this problem. As I told you, there's so much money involved in it. My whole thing I explained, why is it such a big challenge just by enforcement to finish it. I have explained it in detail, and the police is taking action. They have many things to do. There are dedicated departments for it. I told you, NCB is there, CBN is there, DRI is there, narcotics wing of MP police is there, the local police is there. Everyone is working to stamp out this, to catch the people who do this kind of activities. But still, it is your awareness which will save you. And if you have any information, please inform. Your name will be kept secret, I'm sure, if you inform the local police what is happening. Your job is to tell. Then it's up to the police. We also take action. We have our own informers. We have people roaming around on the streets, giving us information that it is available here, it is available there. Whatever action the police takes, but then still, the only action, the best action is your awareness and your ability to avoid it and say no. Also, a very interesting question is that how can we join Narcotics Bureau after graduation? Are there any career prospects in the field? Yeah, that's a very general question. It always comes. But I'll tell you what, Narcotics Control Bureau, NCB, is a Government of India organization. I don't know about their rules and regulation, but if you want to join NCB as in the local police, in the Madhya Pradesh police, or wherever state you are from, you will have to join the police as such, as a DSP or as an IPS officer or as a sub-inspector or whatever you want to. And then after that, you can get posted in the narcotics cell or in the narcotics thana or whatever. And then even in the general policing, Narcotics NDPS Act is
You can do it as an SP also. You can do it as a CSP also. So you have to join the police force. There is no special qualification for it. You have to pass the exam, of course, and you have to be a graduate. That's your basic qualification. And NCB, direct recruitment of Narcotics Control Bureau, I have no idea. I don't think they do direct recruitment. They take people on deputation from state police forces. Yes, I think that was the question, because most of the audience is from the legal background. So maybe they were asking how to join the legal department of it. Participants, any other questions? I think we've already addressed the topic on selling tobacco and alcohol. So has dealt with it in the PPT, and we've asked a question. Any other question? I think we can finish now. I think it's... Yes, I think. Yes, I think that's all. Thank you so much, sir. Can I... Hello. Yeah. No, I am from Assam. Yeah. I must compliment and congratulate Dr. Varun Kapoor for the excellent. In fact, you have touched upon the core, and then you have given a lot of solutions also, and your message is very loud and clear. I think we must all appreciate now that time has come for all of us to get together and see how it is possible for us to, how it is in Northeast also, as you had mentioned about the Golden Triangle, yeah, and effects are there. I think a lot of, maybe many of the spiritual organizations also will have to come forward in order to cleanse the minds and see how can we avoid it. I had no questions as such. I was only wanting to compliment you for this excellent sort of presentation that you have made. Thank you so much. So nice of you. Thank you. Okay, I believe, sir, that's the end of our question and answer round. Thank you so much, sir. It was a very, very insightful session. As I said, that mostly the audience is filled of legal background and law students as well as practitioners. Mm-hmm. So it was a very, very informative session on a topic which is so relevant yet so important. Law graduates, let me tell them one more thing. NDPS Act, which is the basic act for taking action against drug peddlers, drug smugglers. NDPS Act is a substantive act. Always remember that. Whoever are the law students here, whatever knowledge I have of that law act, the substantive act means if all the eyewitnesses also say no, that this didn't happen, the person, the accused can still be punished. That means your documentation, the way you do the seizures, the way you do everything, the sampling, the way you do all the documentation is very complicated in NDPS Act. But if you follow the documentation perfectly, there should be proper training. That's why I used to give training, new modules we had made. There's a new section which has been added, 52A, that is the pre-trial disposal of drugs, because there's a lot of seizures of drugs and it's all lying around before the case gets over. Then one appeal, then another appeal. So it is pre-trial disposal of drugs. Those things the students should know very well, the legal. So it's a substantive act. And as a result, you can the documentation is very necessary. So it is important for police and it is important for the legal fraternity also to know that you can get conviction even if there is no eyewitness. And everyone, even if it court may hostile be ho jaye, then also you will get your conviction if your documentation is good and correct. So please study it carefully, the ones who want to practice in this field, and see what documentation is there and what should be done. The police as well as the legal fraternity should know it. Thank you so much, sir. It was very interesting. With this, I think we come to the end of our webinar. I would like to now give the floor to our founder director, Dr. Priya Sapaha, ma'am, for the vote of thanks. Good evening, sir, and thank you, Priyal. Thank you so much, sir, for sparing time for us. And this was the most awaited session. मैं आपसे बहुत पहले से इसकी रिक्वेस्ट कर रही थी एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये सोचा और आपने टाइम निकाला एंड दिस वाज रियली फैंटास्टिक सेशन बिकॉज इट इज नॉट ओनली थ्योरेटिकल दिस इज कमिंग अप बाय द पर्सन हु इज हैविंग अ प्रैक्टिकल नॉलेज तो एक प्रैक्टिकली किसी को कैसे डील करा जाता है लोगों को ये तो पता है थोड़ा बहुत कि ड्रग्स क्या है बट हाउ टू डील दैट अवेयरनेस कमिंग अप बाय द पर्सन
from the person who is having a practical knowledge is something class apart. I must appreciate, sir, जो आपने दो movies दिखाई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा impactful थी और मुझे लगता है कि जो भी participants हैं, उनको उससे और अच्छी तरीके से समझ में आया and really it is very insightful. Thank you so much, sir, for giving time and thanks again, sir. We look forward for such more sessions, sir. Thank you so much. Take care. Thank you.